दोस्तों, उड़द दाल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये उड़द दाल ले ली है, अनपॉलिश्ड और बिना छिलके की उड़द दाल है एक बाउल। और दूसरी तरफ हमने फ्राइंग पैन गरम कर लिया है। फ्राइंग पैन पे हम इसे धीरे धीरे करके लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे। इसे दोस्तों हम लगातार चलाते रहेंगे और तब तक इसे सेकेंगे जब तक कि इसमें एक अच्छी खुशबू ना आए और इसका हल्का सा रंग जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाए, ड्राई ब्राउन नहीं हो जाए, ये हल्का लाइट ब्राउन, तब तक हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। जी देखिए दोस्तों, हमारे उड़द जो हैं उनमें से बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है और ये देखिए कलर भी चेंज हो गया इनका, ये देखिए हल्का ब्राउन हो चुका है, ये लाइट ब्राउन। तो अब हम इन्हें ठंडा करने के लिए रख देते हैं और उसके बाद हम इन्हें मिक्सी में डालकर इनका पाउडर बनाएंगे। दोस्तों, दाल को रोस्ट करने से इसका पाउडर भी बड़ी आसानी से बन जाता है। दोस्तों, एक तरफ हमारा पाउडर तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ हमने 2 बड़े चम्मच घी के फ्राइंग पैन में डाल दिए हैं। घी को मेल्ट होने देंगे, घी गर्म हो गया दोस्तों हमारा। अब हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो क्रश करके रखे हुए हैं, इन्हें हम इसमें फ्राई करने के लिए डालेंगे घी में और हल्का सा इसे हिलाते हुए फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल फ्लेम हमारी लो है। ये देखिए दोस्तों, ये ड्राई फ्रूट हमारे फ्राई हो चुके हैं हल्का। अब हम इसमें ये आटा हमने तैयार कर लिया है, देखिए जो हमने रोस्ट किए थे उड़द, अब हम इसे इसमें डालेंगे और हल्का से इसे सेक लेंगे। अगर कुछ कमी रही होगी हमारे रोस्ट करने में तो वो इसमें पूरी हो जाएगी। अब अच्छे से इसे हिलाते हुए इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे आटे में जो है वो घी ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो गए। अब दोस्तों, गैस बंद करके हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, हमने बूरा या तगार ले लिया है, ये देखिए ये मैंने लगभग उतना ही लिया है जितना कि मैंने आटा या दाल जो ली थी। आप चाहें तो अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा इसे कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मैंने 4 से 5 इलायची के जो दाना है वो पीस के रख लिया है, उसे भी हम इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी बूरा या तगार। और इसे धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे। अब दोस्तों, हाथ से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए आपका। धीरे धीरे मिक्स कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके धीरे धीरे करके लड्डू बना देंगे। ये देखिए इस प्रकार से धीरे धीरे मिक्स करते हुए, जैसी आप शेप देना चाहें, छोटे बड़े वैसे आप इसकी शेप दे सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आपका शानदार लड्डू तैयार हो चुका है।